नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज कैसे वीडियो बात करेंगे, मेरे जो बहुत सारे ऑडियंस ने मेरे को कमेंट में पूछा कि सर पीबीसी कार्ड कैसे अप्लाई करें। पीबीसी कार्ड अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो घर में पीबीसी कार्ड नहीं पहुँचा है, तो उसमें कैसे ट्रैकिंग कर सकते हैं हमारा जो पोस्ट पर कहाँ से पीबीसी कार्ड आया नहीं आया, कहाँ पर पहुँचा, हम कैसे ट्रैकिंग कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जरूर एक वीडियो बनाकर हमको बताइए कि कैसे हम इसका प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन करके बताएंगे कैसे आप पीबीसी कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कितने दिन के बाद आपके पास पहुँचता है, आपके पास नहीं पहुंचता तो कैसे उसको ट्रैकिंग कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। पहले हम बात करेंगे पीबीसी कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे। पीबीसी कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, www.myaadhar.com पर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपका एक ऑप्शन मिल जाएगा पीबीसी कार्ड ऑर्डर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पीबीसी कार्ड ऑर्डर का एक फॉर्म मिल जाता है, वहाँ पर आप उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ पर आपका हेलमेट आईडी नंबर देना पड़ेगा, वहाँ पर आपका कौन सा टाइम पर ये उठाया था, कौन सा दिन पर उठाई थी, यहाँ पर देना पड़ेगा। वहाँ पर आप क्लिक करने के बाद वहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर देने के बाद वहाँ पर आपको पास से OTP आएगा, OTP पर क्लिक करने के बाद आपको और एक पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पर पेमेंट सेक्शन ओपन हो जाने के बाद वहाँ पर आपको फोन पे या गूगल पे या पेटीएम वगैरह जो भी आपका अमेजोन पे वगैरह जो भी पेमेंट करते हो वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको 50 रुपीज़ का एक पैसा कटेगा, वहाँ पर आपका फ़ोनपे पर ट्रांजेक्शन हो जाएगा या जो भी आपका यूज करते हैं ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ट्रांजेक्शन होने के बाद यहाँ पर आपको SRN नंबर मिल जाएगा, SRN नंबर के मदद से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होता है वहाँ पर SRN नंबर किस कारण के जो नहीं मिल पाता, SRN नंबर को कैसे पता कर सकते हैं। SRN नंबर को पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो कस्टमर केयर नंबर होता है वहाँ पर आपको कॉल करना पड़ेगा, 1947 पर कॉल करने के बाद यहाँ पर आपको कंप्लेन देना पड़ेगा कि मेरा SRN नंबर नहीं मिला। उसमें 2-3 सप्ताह के मदद आपको SRN नंबर रहता है, यहाँ आपको नहीं तो क्या करना पड़ेगा, SRN नंबर मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा तो आपको ट्रैकिंग करने के लिए और जगह आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और नंबर का क्या करना पड़ेगा कि आपको वहाँ पर आपका जो पोस्ट पर होता है, जैसे कि आपका एरिया पर जो भी पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर जाकर वो नंबर दीजिए, नहीं तो आपका मोबाइल पर भी उसको ट्रैकिंग कर सकते हैं। मोबाइल पर कैसे ट्रैकिंग कर सकते उसके बारे में बात करेंगे। मोबाइल पर आप ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे www.ind पोस्ट लेकर सर्चिंग करेंगे, वहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा। उस वहाँ पर पेज ओपन हो जाने के बाद वो जो आपका जो ट्रांजेक्शन जो आईडी होता है, जैसे कि वो आईडी के द्वारा ट्रैकिंग कराया जाता है, वो आईडी को यहाँ पर देखेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका पास एक रिपोर्ट आ जाएगा। और रिपोर्ट कैसे आता है, कैसे मिलता है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा, पूरी प्रोसेसिंग बताऊँ, पूरी सेटिंग बताऊँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, इस वीडियो को आप देखने के बाद आप जान सकते हैं कैसे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी पूरी सेटिंग जान सकते हैं। अभी फिलहाल मैं मेरा फ़ोन के स्क्रीन पर चल रहा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी पूरी सेटिंग में बताता हूँ। फ़ोन के स्क्रीन पर अभी आज का आने के बाद अभी हम बात करेंगे कैसे आप उसको जो आधार कार्ड को कैसे पीबीसी कार्ड को ट्रैकिंग कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे यहाँ पर जो गूगल क्रोम ब्राउजर है उसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये ओपन होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी नेट थोड़ा स्लो है तो इसलिए ओपन होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ टाइम के बाद ये ओपन हो जाएगा। देखिए अभी ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे IN पोस्ट ट्रैकिंग, इसको हम क्लिक करके सर्चिंग कर देते हैं। सर्चिंग करने के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा ट्रैक कंज्यूमेंट नंबर, यहाँ से इंडिया पोस्ट आ जाएगा। इसको पहले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, आ जाएगा कुछ टाइम के बाद। अभी देखिए यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद जो भी लैंग्वेज आप करना चाहते हैं यहाँ से लैंग्वेज वगैरह सेटिंग कर सकते हैं, सर्च वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से आपको टूल्स देख सकते हैं। यहाँ से दिया हुआ कि ट्रैकिंग, यहाँ से आपका कंज्यूमेंट नंबर दिया हुआ है कि यहाँ से आपका जो भी नंबर आपको मिलता है हेल्प सेंटर से, जैसे कि 1947 से जो भी नंबर आपको ट्रैकिंग करने के लिए मिलता है यहाँ से वो नंबर को दीजिए। यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है कि जो भी कैप्चा को फिलअप करने से कैप्चा को फिलअप कीजिए। यहाँ आपको रीसेट करना चाहते हैं रीसेट कर सकते, नहीं तो सर्चिंग कर सकते कैप्चा को फिलअप करके। उसके बाद ही आपको ये ऑटोमेटिक 2-4 मिनट के ये राउंडिंग चलेगा सर्चिंग करने के बाद। उसके बाद ही आपको ट्रैकिंग करके बताएगा कि आपका जो कहाँ पर आपका पोस्ट जो भी आपका पास जो भी पोस्ट आया था वहाँ कहाँ पर मिला कि नहीं मिला, क्या हुआ, उसका रीजन आपको पता चल जाएगा। इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट का, इससे तो इसके मदद से आपको ढेर सारे बेनिफिट उठा सकते हैं। इस वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।